नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 5 जून 2020, समय 9:11:50। अभी तक कोई ट्रेड ऐसे लिया नहीं है, करेंसी में भी कोई ट्रेड नहीं लिया, ब्लैंक है बिल्कुल। इस पे डिसीजन अभी नहीं बन पाया है। आज थोड़ा सा इसमें मुझे साइडवेज लग रहा है मामला, इस वजह से मैं जो हूँ वेट कर रहा हूँ। कुछ अगर सिग्नल मिलता है, कुछ क्रिएट होता है, कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलता है तो फिर मैं इसमें बाइंग। हालांकि गैप डाउन ओपन हुआ है तो, लेकिन फिर भी मेरा कोई डायरेक्शन इसमें आज क्लियर नहीं। जैसे मैं क्लियर बता देता हूँ कि आज मैं बाय साइड बैठूंगा या सेल साइड बैठूंगा, तो अभी तक इसके मूवमेंट से मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है कि आज ये बाय साइड जाएगा या साइड वेज होगा या सेल साइड होगा। इस वजह से मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ। और रहा तो निफ्टी जो सेटल हुआ है प्री ओपन में, तो प्री ओपन में सेटल हुआ है 64 पॉइंट पॉजिटिव, यानी 10,100 के पास कहीं ओपन होने की कोशिश कर रहा है 10,095। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है इसका 10,200 है, जो मैंने पहले ही बोला 10,175 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट, फिर तेज मूवमेंट बनेगा, और फाइनल जो होगा 10,200 के ऊपर तो फिर ये बहुत ही अच्छा जाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। उसी तरह बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का लेवल जो है ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा, 20,600 को ब्रेक करेगा तब जाके हमारा 20,800 और 21,000 का टारगेट आएगा। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 20,300 को भी तो 300 पॉइंट की रैली वहाँ से बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है। तो देखता हूँ क्या सिचुएशन चल रहा है। बाकी जो स्टॉक है टेक महिंद्रा, मैंने 3 स्टॉक दिए हुए वो मैंने लगा लिया है, और IGL है, लुपिन है, कुछ एक आध स्टॉक ग्रासिम सिप्ला वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा जो 6 स्टॉक्स अलग से मैंने प्रोवाइड किया है वो है भारतीय एयरटेल, चाहे इंडसइंड बैंक, वेदांता, सन फार्मा, एशियन पेंट है ना, HDFC, तो ये सब भी यहाँ पे लगे हुए हैं, एशियन पेंट, HDFC वगैरह सब है, ये सब लगा लेता हूँ और देखता हूँ कहाँ पे क्या ओपन होता है। फिर कोशिश करेंगे जैसा भी ट्रेड बनेगा करने की। अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। ग्रासिम को दोस्तों 610 के नीचे सेल करना है ना, तो मैं ब्रैकेट ऑर्डर में 610 के नीचे ग्रासिम को लगाता हूँ। 609 रुपया 50 पैसा, 610, 4 का स्टॉप लॉस, 10 का टारगेट, और यहाँ मैं 250 क्वांटिटी सेल साइड में लगाता हूँ, क्योंकि 610 के नीचे सेल करना है। मैंने लेवल जो रखे हैं ग्रासिम को, मैंने 610 के नीचे सेल साइड का भी रखा है। देखता हूँ क्या इसका ट्रिगर होता है या नहीं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। सिप्ला का जो व्यू है मेरा, सिप्ला पे वो 665 के ऊपर बाय है और 655 के नीचे सेल है। अच्छा, ग्रासिम में ये सॉरी मैंने गलत कर दिया, इसको मेरा 610 के ऊपर बाइंग का पोजीशन है, इसको मैं कट करता हूँ, गलत ऑर्डर लगा दिया था। 600 के नीचे सेल। नमस्कार दोस्तों, मार्केट ओपन हो गया, समय 9:17 हो रहा है 50 सेकेंड। चलिए वेट करता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है और क्या बाइंग पोजीशन बनता है, क्या सेलिंग। अभी फिलहाल कोई डिसीजन नहीं ले पाया हूँ, वेट कर रहा हूँ फिलहाल, कुछ अगर सिनेरियो बनता है तो फिर काम किया जाए इस पर, कोशिश करता हूँ। देखिए हैवल्स में अगर बात करूँ तो हैवल्स को, और एक है ग्रासिम, हैवल्स और ग्रासिम दोनों ही 570 बिल्कुल जगह पे है। देख रहा हूँ बस पोजीशन का, वेट कर रहा हूँ कहाँ पे सिनेरियो बनता है। और USD INR पे अभी व्यू नहीं बन पाया है, वेट करूंगा USD INR पे, बिल्कुल साइड पे जैसा कि कहा था उसी तरह से चल रहा है, तो अभी मैं फिलहाल वेट करूंगा USD INR में, देखता हूँ क्या सिनेरियो आता है दोस्तों, उसके बाद फिर बात करता हूँ। टेक महिंद्रा वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लूंगा। लाइव सेशन में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, अभी कोई ऑर्डर नहीं लिया मैंने दोस्तों। एक सेल का ऑर्डर प्लेस किया है मैंने 250 क्वांटिटी हैवल्स में, ठीक है ना, अभी 245 का लॉस चल रहा है। हैवल्स में मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया है 250, 3 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ किया है, यानी कि 750 का लॉस मुझे यहाँ पे होगा। वेट करेंगे क्या रिजल्ट इसका आता है हैवल्स में। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है ऊपर, तो देखिए जैसा कि ब्रेकआउट कहा कि ऊपर करेगा, तो
तो दिक्कत हो सकता है मुझे, अभी देखता हूँ। ये स्टॉप लॉस के साथ मैं बना हूँ फिलहाल हैवल्स में, रिजल्ट का वेट करता हूँ क्या टारगेट आता है या हमारा स्टॉप लॉस कटता है। टारगेट नीचे 567 के आसपास का होगा, 567 के आसपास का, और उसके नीचे भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तो ये मेरा डरा रहा है मुझे, ऊपर के साइड ही लेवल दिखा रहा है ना। वेट करता हूँ और ग्रासिम निकल रहा है, टेक महिंद्रा नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। आईजीएल ऊपर की तरफ है, यूएसडीआईएनआर वेट करेंगे, चल देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। फिलहाल बिल्कुल नीचे के लेवल हैं। हैवल्स में ऑर्डर लगा हुआ है हमारा, हैवल्स, और वो बार बार डराने की कोशिश कर रहा है। अभी 245 200 का लॉस दिखा रहा है, 250 207 का लॉस, 42 का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट हो गया स्टार्ट। यही एक ऑल पीस अभी लिया 55 का प्रॉफिट, तो मुझे लग रहा है एक बार 567 तक आ जाए तो 700-750 का प्रॉफिट हो सकता है। वेट करूंगा इसमें। मार्केट लगभग लगभग 100 पॉइंट पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, 10,175 के ऊपर निकलेगा, 10,135 के ऊपर भी निकलेगा तो एक पॉजिटिव मूवमेंट, 10,140 के ऊपर भी निकलेगा तो एक बार पॉजिटिव मूवमेंट करेगा। इधर 155 का प्रॉफिट चल रहा है। लाइव सेशन ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, लाइव सेशन ओपन कर लिया, चलिए लोग ज्वाइन होते रहेंगे धीरे धीरे। कृपया अपने ओरिजिनल नाम से ज्वाइन कीजिए सर, मैं नहीं पहचान पाऊंगा ना ऐसे, फिर दिक्कत हो जाएगी। कृपया अपने ओरिजिनल नाम से, देखिए इधर 405 का प्रॉफिट हो गया, हैवल्स को शॉर्ट किया हुआ है। ग्रुप में बता दीजिए कि कृपया अपने ओरिजिनल नाम से ज्वाइन करें, एक बार आप लोग ग्रुप में लिख दीजिए मेरे तरफ से। कुछ लोग नंबर से ज्वाइन कर रहे हैं, B481 क्या क्या, मुझे बिल्कुल पता नहीं ना कौन है नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं। देखिए ये काफी तेजी से ऊपर जाने की आने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश मॉर्निंग सर मॉर्निंग। देखिए यहां से ये बाउंस कर गया, यानी कि ये नीचे जाने के मूड में नहीं लग रहा है फिलहाल तो हैवल्स। हाँ हैवल्स सेल साइड है सर, लेकिन ये नीचे जाने के मूड में नहीं है। देखिए ये नीचे आया था, 400 का भी प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन वहां से वो बाउंस कर रहा है बहुत तेजी से। 568 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 567 के नीचे ज्यादा सही रहेगा, आप लोग 567 के नीचे सेल करिएगा तो अच्छा रहेगा। अभी 505 का प्रॉफिट चल रहा है मुझे, 467 हो गया, 505, 567 के नीचे ज्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्ट कर सकते हैं आप, फिर टारगेट 555 के आसपास का भी हो सकता है, यहां तक का भी टारगेट आ सकता है अगर 567 ब्रेक करता है तो। अदरवाइज यहाँ से बाउंस भी कर सकता है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, यहीं से बाउंस हुआ, यहाँ से भी बाउंस हो सकता है, वेट करेंगे। भारतीय एयरटेल 585 के ऊपर बाय, अच्छा एक मिनट भारतीय एयरटेल देख लेता हूँ। भारतीय एयरटेल 577 के ऊपर मेरा बाय लेवल है, भारतीय एयरटेल 577 के ऊपर बाय लेवल है। आज यूएसडी एनआर पे मेरा कोई व्यू नहीं है, आज उस पर डिसीजन नहीं बना पा रहा हूँ, सॉरी।
आज यूएसडी एनआरपी मेरा कोई व्यू नहीं है, उस पे मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया, मेरा कोई व्यू नहीं है उस पर। देख रहा, मैंने कोई व्यू ही नहीं लिया, अभी तक डिसीजन ही नहीं बन पा रहा। यही एक ऑल पोजीशन जो है यही है हैवल्स का। आज मैंने यूएसडी एनआर को कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि मैं जो चीज यूज करता हूँ, फॉलो करता हूँ, उसके हिसाब से मुझे ये कोई डिसीजन लेने नहीं दे रहा है। तो सर मैं जबरदस्ती तो ट्रेड करता नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं ट्रेड करता है। हाँ, 585 के ऊपर अगर निकले तो बाय किया जा सकता है भारतीय एयरटेल, एक रिस्क लेके। कितना 30 लोग आए हुए हैं, यहाँ रेंज बाउंड है, मुझे डिसीजन ही नहीं लेने दे रहा है। तो मैं क्या बताऊं आपको, मुझे डिसीजन ही नहीं लेने दे रहा है। 567 के नीचे हैवल शॉर्ट कर सकते हैं, 567 के नीचे आप हैवल शॉर्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, इस कैंडल के बाद डिसीजन लूंगा। हो सकता है यहाँ से ये ना जाए ऊपर, बाउंस कर जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ से। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सारे लोग, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा आज यूएसडी आईएनआर। मैं जो चीज फॉलो करता हूँ आईएनआर में, उस चीज के हिसाब से ये मुझे डिसीजन लेने नहीं दे रहा। जब डिसीजन नहीं लेने दे रहा, तो फिर मैं क्यों उसको उंगली करूं। चलिए एक बार 567 ब्रेक करे तो मेरे ख्याल से ये 565 तक पहले आएगा, 2 पॉइंट वहां से और भी मिल जाएंगे। हाँ आ रहा है, ब्रेक कर रहा है, 505 का प्रॉफिट चल रहा है। थर्टी वन लोग आ गए, ये नहीं जाएगा सर, इसको मैं काट देता हूँ, ये नहीं जाएगा, मैं इसको काट देता हूँ। 505 का जो प्रॉफिट आ रहा है मैं काट के निकाल लेता हूँ, ये नहीं जा रहा है। 352 के प्रॉफिट से निकला, चला जाए बाद में अलग बात है, अभी फिलहाल नहीं जा रहा। 567 के नीचे ज्यादा सही रहेगा। हाँ सर, ये मिडिल मंथ में, इस मंथ के बीच में, वो एक दिन का क्लास है सर, USDNR का एक दिन का क्लास है, एक दिन के क्लास में आप लोगों का हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। एक दिन के क्लास में सिंपल है, हो जाएगा। देखिए हम लोग हैवल से बिल्कुल सही जगह पे निकले, देखिए दिखाता हूं, हैवल से अगर नहीं निकलता तो मेरा एसएल कट जाता है ना, बिल्कुल सही जगह से हम लोग हैवल से निकल गए। पाँच सौ पचासी के ऊपर निकले तो बाय किया जा सकता है फिलहाल, लेकिन इतना लंबा कहाँ तक से गया है। 585 के ऊपर निकले तो बाय किया जा सकता है फिलहाल। रिलायंस का वीक है, रिलायंस 52, हाँ उसमें कुछ इन्वेस्ट किया जा रहा है ना, वो फॉरेन के तरफ से, वो जियो में है ना, इसीलिए रिलायंस भाग रहा है। और आपको पता है जिस जिस स्टॉक्स में न्यूज होता है, मैं उस स्टॉक को ट्रेड नहीं करता कभी भी। आपको पता ही, अगर मुझे पता चल जाता है उसके अंदर न्यूज आ रहा हुआ है, तो मैं अपना हाथ खींच लेता हूँ, मैं फिर चुपचाप बैठ जाता हूँ, मुझे फिर उस पर काम ही नहीं करना रहता। छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसको मैंने सेल किया है, देखता हूँ ये मेरा लॉस होता है या प्रॉफिट।
बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ मैंने इसको सेल किया है ग्रासिम को, और वेट करेंगे 120 का प्रॉफिट हो रहा है ग्रासिम में, इंडसइंड बैंक बाय साइड। ओके सर, 220 का हो गया। इंडसइंड को बाय करना है सर 435 के ऊपर, 230 का प्रॉफिट हो गया, वापस माइनस। इंडसइंड को कैसा प्राइस चल रहा है पहले देखेंगे, 435 के ऊपर बाय करना है, 435। हाँ अभी नहीं कर सकते हम, बहुत ऊपर ये है, इसका गड़बड़ हिसाब है, अभी कुछ नहीं कर सकते। छः सौ सोलह पचपन, मैंने 616.50 पर, 616.15 पे सेल किया। ओके ग्रासिम एसएल टारगेट, देखिए एसएल तो बहुत छोटा लगा है, 618.90 यानी 619 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 3 पॉइंट का हो सकता है स्टॉप लॉस, और मेरा जो टारगेट होगा 606 रुपये के आसपास होगा। पहला टारगेट 612, फिर 606, लेकिन रिस्की ट्रेड है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो फिर वो चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने अपना रिस्क से लिया, क्योंकि मैंने वो किसमें कमाया, हैवल्स में कमाया हुआ है, तो मेरा कोई टेंशन नहीं है, मैं उतना ही लॉस लेके बाहर आ जाऊंगा। हैवल्स में मैंने कमाया हुआ है तो उतना ही चलेगा, उतना ही लेके मैं बाहर आ जाऊंगा, मेरा इससे कुछ जाएगा नहीं। इधर यूएसडी आईएनआर पे फोकस रखूं, ये कुछ डिसीजन लेने नहीं दे रहा है, ये साइडवेज है, पहले ही बोला कि ये साइडवेज है, डिसीजन नहीं लेने दे रहा है सर। वेट करता हूँ थोड़ा सा, से पोजीशन बना लिया था इसमें, हैवल्स में हम लोग तो निकल गए, 567 के नीचे सेल बोला था, जबरदस्त आया नीचे। ओके सर बढ़िया, वेट करते हैं, अच्छा पोजीशन बनेगा इसमें। अच्छा मैक डबल की बात हो रही थी ना, मैक डबल, ठीक है कोई बात नहीं, एमजीएल को सेल किया। ओके क्या बात है, सब अब सेल साइड जाने लग गए, सेल किया तो 1010 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। बाउंस भी हो सकता है, अगर 26 के ऊपर निकल जाएगा तो बाउंस हो जाएगा। पीवीआर 1104 के ऊपर, ठीक है ना, 1104 के ऊपर, ग्यारह सो पांच, 1104, 50, 4 का स्टॉप लॉस या 5 का, 10 का टारगेट बाय साइड। वापस से पीवीआर में एक ऑर्डर लगाया, देखिए ऑर्डर ट्रिगर हो गया, लग रहा है नहीं हुआ क्या, नहीं हुआ क्या, जा लगता है नहीं हुआ ट्रिगर सर जी, ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, लीजिए दैट ऑर्डर पार हो गया लेकिन ट्रिगर नहीं हुआ, देखिए रिफ्रेश करूं, चलिए रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश कर दिया और पीवीआर पे क्लिक कर रहा, हाँ 300 का प्रॉफिट चल रहा है सर, अरे 300 का प्रॉफिट अभी ज्यादा चल गया था लग रहा है, 330 हो गया, लेकिन 56 ही क्वांटिटी दिया है सर, अच्छा दिया है, टोटल दिया है 465 का प्रॉफिट चल रहा है, चलिए ठीक है सर। चलो चलो कुछ प्रॉफिट दे दो भाई, 1115 का टारगेट अचीव करा दो। पांच पॉइंट का रिस्क है इसमें, 10 पॉइंट का टारगेट, आप लोग ने हैवल्स में पोजीशन ले लिया है ना, बढ़िया चल रहा है हैवल्स नीचे की साइड में, 567 को जो मैंने कहा कि सेल, नीचे सेल निकले तो सेल कर दीजिए, पोजीशन बना लिया ना, प्रॉफिट भी बुक करिए। मैंने तो सर कब का निकल गया उससे, हैवल्स से, यही हैवल्स में क्या है, बीपी सेल कैसा लेट। ओके हैवल्स में 352 का प्रॉफिट बुक किया तुरंत उसी टाइम, ग्रासी में 570 का लॉस खाया और पीवीआर में 200 का प्रॉफिट चल रहा है, तो ओवरऑल यही पोजिशन अभी।
और आईएनआर का आज मेरा कोई व्यू नहीं है, फिलहाल इस वक्त कोई व्यू नहीं है, इस वक्त कोई व्यू नहीं है। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। हैवल्स का टारगेट 55 तक का था, एशियन पेंट को क्या किया है सर? सेल। हाँ ठीक है सर, तो सेल तो ऊपर ही लेवल से होना चाहिए था ना सेल, अब अभी तो नहीं कर सकते सेल हम लोग, अभी नहीं कर सकते, ऑलरेडी काफी नीचे आ गया है। क्या कह रहे हैं? आठ हैवल्स कर लिया, बहुत बढ़िया, प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, हैवल्स शार्प फॉल हो गया ना? हाँ हाँ हैवल्स शार्प फॉल हुआ है बिल्कुल, मेरे निकलने का ही वेट कर रहा था, मेरे निकलने का ही वेट कर रहा था, देखिए कितना शार्प फॉल हुआ है। आप लोगों ने बना लिया ना पूरा प्रॉफिट, बस एंजॉय करिए। ये 250 चल रहा है एकदम, आपको एकदम प्रॉफिट हो रहा है जगदीश जी, बहुत हैवल्स में बहुत प्रॉफिट हो गया इनको, एकदम संभाल के रखिए। निफ्टी इज कमिंग डाउन, अच्छा निफ्टी कमिंग डाउन आ रहा है, आने दीजिए। हैवल्स देखिए सारे टारगेट आ गए, 555, हालांकि पहला वो मेरा फाइनल टारगेट होगा, 560 का पहला टारगेट था वो तो आ ही गया, काफी तेज गिरा वहां से। वेन वेन वी हेलो वंस योर वेडिंग क्लास इन यूट्यूब सर। ओके वेन, ना 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 मैं यूट्यूब पे कभी अनाउंस ना करूंगा इसको। आज का टारगेट हो गया जगदीश जी, निकल जाइए, वेट करिए। ये देखिए मैं भी टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ, 1115 का टारगेट है, देखिए डन हो गया टारगेट, 1113.70 का हाई लग गया, 765 का टारगेट। चलो चलो टारगेट डन कर दो, 800 800, 925, चलो 925, चलिए प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। हाँ टारगेट डन, डन करो डन करो, क्लोज कर देता हूँ पोजिशन, चलिए पोजिशन क्लोज हो गया सर मेरा भी, है ना, आप लोग के साथ साथ मेरा भी हो गया सर। यही पीबीआर में 800 का प्रॉफिट, हैवल्स में 352 और ग्रासी में 570 का लॉस, यही तीन ट्रेड किया बस। कोई ट्रेड मिलता है दोबारा तो करूंगा एक आध ट्रेड, नहीं तो यूएसडी आईएनआर में जब पोजीशन बनने का चांस आएगा तब बनाऊंगा। जब आएगा पोजीशन बनाने का टाइम ना तब बनाऊंगा। वेट करता हूँ, मेरे कॉल पे आपने ट्रेड लिया 7 पॉइंट, प्रॉफिट बुक कर लिया 55 क्वांटिटी, ठीक है सर। गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी हम लोग लगाए थे ना, गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी तो साइड पे चल रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज सर, क्या है इसका हिसाब किताब देखता हूँ, क्या हिसाब किताब चल रहा है, काफी नीचे आ गया, एक बार 85 के ऊपर, 85-86 के ऊपर क्लोज करें ना तो बाय कर सकते हैं, वरना आज हर एक स्टॉक फर्स्ट कैंडल में काफी बड़े विक्स बने। हाँ बिल्कुल, 785-86 के ऊपर क्लोज करें ना तो बाय व्यू बन सकता है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। फिलहाल बाल किस इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है, बाउंस करने की तैयारी। ओके वेट करते हैं। आप लोगों ने चुपके 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 पोजिशन बना लिया ना मेरे साथ, देखिए 30 लॉट तो नीचे से ही बाय किया हुआ है, 10 लॉट ऊपर रखा है, देखिए कहाँ होता है, 400 का भी प्रॉफिट चल रहा है, जाएगा और माल भी आएगा है सब लोगों ने। कोई भी ऑर्डर इंट्राडे टाइप लेने के बाद सेल ऑर्डर कैसे लगाएं? तो सेल ऑर्डर सर वो लिमिट प्राइस में जाके, सेल वाला बटन दाब के लिमिट प्राइस, जैसे बाय है ना तो इसको हम सेल में जाएंगे ऐसे करके, देखिये मैं सेल दाब रहा हूँ कि मेरा सेल ना हो जाए, ठीक है। रेगुलर में जाके ऐसे आपको लिमिट प्राइस लेना होगा, लिमिट प्राइस तो वो टारगेट लग जाएगा, ठीक है, वो टारगेट लग जाएगा, ठीक है। माल छांक लिया ना आप लोगों ने, इसमें देखे ना कितना, पहला टारगेट 75-62 के आसपास का होगा, ठीक है ना सर। 30 लॉट मैंने कवर ऑर्डर में, 10 लॉट ब्रैकेट ऑर्डर में, ब्रैकेट ऑर्डर वाला बाय नहीं हुआ अभी। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:50 और देखिए यूएसडी आईएनआर में मैंने क्वांटिटी को बढ़ा दिया दोस्तों, और ऊपर जो मैंने कवर ब्रैकेट ऑर्डर रखा था उसको मैंने हटा दिया और 55 लॉट को कवर ऑर्डर में अलग अलग क्वांटिटी में मैंने लिया है। मैं इसके टारगेट नोट कर लेता हूँ यहाँ पे चार्ट पे, जो पहला टारगेट होगा मैं उसको यहाँ पे मेंशन करूँगा
और प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में करता रहूँगा, अलग अलग क्वांटिटी पे मैंने लिया है। तो फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 75 रुपये, ये 62-61 के आसपास में आएगा, 60-62 के आसपास में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये एक चांस है। और सेकेंड टारगेट 75.68 का होगा, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो देखते हैं, अभी फिलहाल 30 का प्रॉफिट चल रहा है, 100 का लॉस चल रहा है, ये कंडीशन चल रहा है। तो देखता हूँ कहाँ तक जाता है। आप लोगों को एक्शन रोमांच चाहिए, आज मैं आप लोगों को भरपूर एक्शन रोमांच दूंगा। और ट्रेड पूरा देखिए, लाइव ट्रेड थोड़ा बोरिंग फील होगा, लेकिन ठीक है, आप अगर आप देखना चाहते हैं एक्शन रोमांच तो यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं वेट करता हूँ इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के। बीच बीच में मैंने अलग अलग क्वांटिटी लिए हुए हैं, 55 लॉट है टोटल, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान देता हूँ, आपको पता है, क्योंकि मेरा एक आइडियल सेंटेंस है, जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते लास्ट में लॉस बुक करते हैं। तो मैं प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान दूंगा और वेट करूंगा टारगेट की तरफ। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट 1000 का और ऑल पोजीशन आप लोग देख लीजिए, 1580 का प्रॉफिट चल रहा है। USDINR में अभी 1200 का प्रॉफिट है। PBR में मैंने 800 का लगभग बुक किया, 797। हैवल्स में 352 और ग्रासी में लॉस हुआ है उतना का। अब देखिए, 1100-1400 का प्रॉफिट, यहाँ पे 1400-1200 ये प्रॉफिट चल रहा है। पहला टारगेट 75.61 या 62 के आसपास का हो सकता है, तो मैं अलग अलग क्वांटिटी में बुक करूँगा प्रॉफिट और वेट करूंगा क्या आता है नहीं। इसके बाद फिर कोई इक्विटी अगर ट्रेड मिलेगा तो मैं इक्विटी में भी ट्रेड करूंगा, तो आप बने रहिए चैनल के साथ। और लाइव मार्केट में अगर कॉल्स प्राप्त करना है दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है। चलिए देखिए क्या पेशेंस का कमाल देखेंगे आप। और स्टॉक बिल्कुल जैसे आप सोचते हैं, अगर वैसा चलाना चाहते हैं स्टॉक्स, अभी फिलहाल 1600 का प्रॉफिट होता है। अगर स्टॉक्स को आप बिल्कुल वैसे ही चलाना चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं, तो इसके लिए आपको स्टॉक्स को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, मार्केट को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, ईगो छोड़ना पड़ेगा। हम मनुष्य हैं, हम ह्यूमन हैं, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे अंदर ईगो नहीं है। 2300 के प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूं, और आप देखेंगे ईगो का त्याग, जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे, है ना। प्रॉफिट देख लीजिए ऑल पोजिशन 3000 का, तो आपको त्याग करना पड़ेगा अपने ईगो का, अपने अहम का। अगर आप अपने पड़ोसी से जल रहे हैं, आपके अंदर ईगो है। अगर आप अपने कलीग से जल रहे हैं, ईर्ष्या है, तो आपके अंदर ईगो है। अगर आप किसी की तरक्की से जल रहे हैं, तो आपके अंदर ईगो है। कहते हैं ना, ट्रकों के पीछे एक लाइन लिखी होती है, जलो मत बराबरी करो, है ना। ट्रकों के ट्रक जो हाईवे पे ट्रक चलता है, आप देखेंगे उसके पीछे बहुत ही आइडियल सेंटेंस सब लिखा रहता है, बहुत कुछ सिखा देता है वो। ऑल पोजिशन देखना चाहेंगे, चलिए देखता हूँ। तो आइडियल सेंटेंस होता है लिखा हुआ कि जलो मत बराबरी करो। तो सर आपको जलना नहीं है किसी से नहीं, बल्कि उसके जैसा बनने की कोशिश करना है जो आपको लग रहा है कि वो सक्सेस है। और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और स्टडीज हो सकता है। मेरी बातें भाषण रूपी हो सकती है, लेक्चर हो सकता है, पर ये लेक्चर आपको बहुत कुछ समझा सकता है जीवन में। कहानी, आपको पता है कि मेरे अंदर कहानी भरा पड़ा है, मैं कहानियों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जितनी भी साइकोलॉजिकल वीडियो मेरी होती है, कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। तो सुनाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको एक कहानी सुनाने की। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ और 2500 के प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूँ। चलिए नमस्कार दोस्तों, 2300 के प्रॉफिट के साथ USDINR में बना हुआ हूँ। और चलिए देखते हैं जो पहला टारगेट है 75.62 के पास पहुंचता है या नहीं। 61 के पास भी आएगा, मैं प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि 55 लॉट है ना, तो एक रस के पास 60 का, 61 के आसपास का, तो एक प्रॉफिट बुकिंग मेरा यहां से भी हो सकता है। तो मैं यहां पे एक लाइन लगा लेता हूं, और जैसे ही उस जगह पे पहुंचता है, मैं अपना 55 लॉट में से 45 लॉट को मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, 40 और 10 लॉट को मैं छोड़ दूंगा स्टॉप लॉस टेल करके। तो चलिए देखते हैं, वेट करते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है और क्या हमें टारगेट आते हैं। अभी 3000 के प्रॉफिट के साथ, 3100 के प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूँ, और मजा कीजिए और ट्रेड। इसके बाद अगर इक्विटी में मौका मिला तो इक्विटी में भी ट्रेड करूँगा। इक्विटी में ऑलरेडी मैंने ट्रेड किया हुआ है लाइव सेशन में। और ये जो USDINR का ट्रेड है, मैंने लाइव सेशन में ही अपने लोगों के साथ जो है, जो लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं, उनके साथ ही लिया था। उनको भी लेवल्स बताए हुए थे मैंने, उन लोगों ने भी पोजिशन बनाया, और उम्मीद करता हूँ अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे, अच्छा पैसा बना रहे होंगे। तो देखता हूँ मेरा टारगेट आता है यानी, अभी 2600 के प्रॉफिट के साथ, 2700 के प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूँ USDINR में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RK ट्रेडिंग, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट RK। समय 11:08 हो रहे हैं। चलिए 2700 के प्रॉफिट के साथ
3500 का प्रॉफिट हो चुका है ओवरऑल, सब यही प्रॉफिट है सामने है, लॉस हुआ वो आपके सामने है, प्रॉफिट लॉस सब आपके सामने है। मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ दोस्तों, देखता हूँ कहाँ पे इसका रिजल्ट आता है। एक टारगेट जैसे ही डन होगा 75.61 के आसपास मैं प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दूंगा। 45 लॉट का प्रॉफिट, 3918 का प्रॉफिट चल रहा है आपके सामने, चलिए धीरे धीरे जा रहा है प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट। तो 45 लॉट का प्रॉफिट बुक करूंगा और 10 लॉट को स्टॉप लॉस टेल करूंगा, टोटल 55 लॉट है, वेट करता हूँ। चलिए प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ सारे, वही 45 लॉट का और 10 का स्टॉप लॉस टेल कर लूँगा। तो क्योंकि आया हुआ पैसा जाना नहीं चाहिए, मेरा आइडियल सेंटेंस है, मैं जो 3 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ उसमें हमेशा बोलता हूँ, 6 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते लास्ट में लॉस बुक करते हैं। और मैंने मेहनत किया है इसके पीछे, आज मैंने अपना दुकान खोला है कमाने के लिए, तो मैं लॉस, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं प्रॉफिट क्यों ना लूँ, चाहे छोटा ही प्रॉफिट मैं ज़रूर लूँगा, छोटा छोटा प्रॉफिट, वही छोटा प्रॉफिट अंत में बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। 10 लॉट का स्टॉप लॉस टेल कर देता हूँ, 3950 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, तो अभी वेट करता हूँ, 10 लॉट का स्टॉप लॉस टेल कर लेता हूँ। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे मैं निश्चिंत हो गया, ये देखिए टारगेट, फर्स्ट टारगेट डन हो गया, हो गया ना, पहला टारगेट डन हो गया। तो यहाँ पे अपना काम तो हो गया 45 लॉट का, बाकी बचे 10 लॉट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट टारगेट डन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे जो ग्रुप मेंबर्स थे उन लोगों ने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे प्रॉफिट मैं लिख देता हूँ फर्स्ट टारगेट डन। सेकंड टारगेट 75.68 का है, ये किसी भी टाइम जाएगा, अपने को कोई टेंशन नहीं, मैं सिक्योर हूँ, स्टॉप लॉस टेल किया हुआ है, प्रॉफिट बुक हो चुका है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखता हूँ कोई अगर इक्विटी का ट्रेड मिलता है तो मैं फिर ट्रेड करूँगा। ओवरऑल जो पोजिशन है 4130 के आसपास चल रहा है। रिकॉर्डिंग अभी दोस्तों पॉज करता हूँ, देखिए ये सेकेंड टारगेट की तरफ भी जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:33:47, जैसा कि कहा था अगर इक्विटी का कोई ट्रेड मिलेगा तो करूँगा। एशियन पेंट के 150 क्वांटिटी को बाय किया है, आप पहले ऑल पोजीशन देख लें, 3723 का प्रॉफिट चल रहा है, USDNR में 2900 का प्रॉफिट बुक हो चुका है। और इधर अब जो मैंने स्टॉप लॉस टेल किया था याद है आप लोगों को, वहीं पर मेरा स्टॉप लॉस काटा और वहाँ पर से प्रॉफिट बुक हो गया 2926 रुपये का। अभी देखिए एशियन पेंट का दो क्वांटिटी मैंने लिया है, मतलब दो पार्ट में, एक बार 100 लिया है और एक बार 50 क्वांटिटी लिया है, तो 100 और 50। तो इसका टारगेट जो पहला टारगेट होगा वो 1650 के आसपास का होगा दोस्तों। तो देखिएगा आप लोग दिन भर में किसी भी टाइम ये 1650 को जरूर टेस्ट करेगा, ये मेरा अपना टारगेट है 1650 का, यहाँ तक इसको जाना चाहिए मेरा हिसाब से, मेरा कैलकुलेशन से। तो किसी भी वक्त दिन में जा सकता है, आप मुझे फाइनल रिजल्ट, मैं हो सकता है पूरा अब ये रिकॉर्डिंग ना कर पाऊँ, तो अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या वहाँ तक गया है कि नहीं। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने का तरीका है, आप देखिए मेरा 1:6 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अगर ये 1650 जाता है तो 1:6 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा हो सकता है, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 24 पॉइंट का लगभग टारगेट यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं 1:6 का। यहाँ देख रहे हैं 5.96 यानी 6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो देखता हूँ एशियन पेंट में क्या पोजीशन आता है, अभी 400 का प्रॉफिट चल रहा है, जैसा भी होगा आप लोगों को बीच बीच में मैं अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल अभी पोजीशन आपके सामने ओपन है एशियन पेंट। आप लोगों को एडवेंचर चाहिए, एक्शन चाहिए, 555 का प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूँ, ऑल पोजीशन मैं आपको फिर से दिखा दूंगा। तो एक्शन एडवेंचर बहुत लोगों को चाहिए, 1650 के टारगेट का वेट करूँगा मैं, तो वो एक्शन एडवेंचर आज आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, इन्जॉय करिए। देखिए ट्रेडिंग कभी भी ना, देखिए पहले ऑल पोजीशन कर दो, ट्रेडिंग कभी भी मज़ा लेने के लिए नहीं किया जाता है, ट्रेडिंग में मज़ा किया जाता है लेकिन मज़ा लेने के लिए कभी ट्रेड नहीं किया जाता। इस थिंकिंग को बदलिए कि आप मज़ा लेने के लिए अगर ट्रेड लेते हैं तो फिर आप गलत करते हैं। हाँ, ट्रेडिंग करते वक्त मज़ा लीजिए, इन्जॉय करिए, ट्रेडिंग करते वक्त कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मज़ा लेने के लिए ट्रेड करते हैं तो फिर गड़बड़ बात है, तो फिर दिक्कत होगी। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मज़ा नहीं आता है वीडियो देखने में, तो मज़ा सर ट्रेडिंग मैं अपने लिए करता हूँ, है ना, अपने अमाउंट के लिए, अपने कैपिटल के लिए करता हूँ, अपना पूंजी बढ़ाने के लिए करता हूँ, अपना घर चलाने के लिए करता हूँ, मज़ा लेने के लिए मैं ट्रेडिंग थोड़ी करता हूँ, अपना परिवार चलाने के लिए करता हूँ, कोई मज़ा लेने के लिए नहीं करता ना, है ना। मैं ट्रेडिंग में मज़ा करता हूँ, मैंने ट्रेडिंग के वक्त हल्का फुल्के कमेंटबाजी, जोक, चुटकुला वो चलता रहता है ना, लेकिन मज़ा के मूड में ट्रेडिंग नहीं होता, ट्रेडिंग में मज़ा हो सकता है। चलिए वेट करता हूँ 730 के प्रॉफिट के साथ एशियन पेंट में बना हुआ हूँ फिलहाल, आगे जैसा भी होगा मैं फिर आपको अपडेट करूँगा। रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय 1:17:20 हो रहे हैं और एशियन पेंट में
2500 का प्रॉफिट चल रहा है, जैसा कि मैंने कहा है 1650 मेरा पहला टारगेट होगा। पहले फाइनल टारगेट था 1650, लेकिन मैंने अब उसको फर्स्ट टारगेट कर दिया है, तो मेरे ख्याल से वही फाइनल टारगेट भी है एक्चुअली, 1650 तक ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से, फिर वहां से गिरना चाहिए। लेकिन आप लोगों का इंपॉर्टेंट फीडबैक का मैं इंतजार जरूर करूंगा, क्या ये 1650 रिसीव अचीव आज कर पाया या नहीं कर पाया, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहली बात यह है। दूसरी बात, यूएसडी आईएनआर वाला भी जो मेरा टारगेट था 75.68 का, वो टारगेट अचीव हो पाया या नहीं, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, 2700 के प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूं एशियन पेंट में। देखिए आपके सामने 1650 का जो टारगेट था एकदम डन हो गया, समय 2:11:27 और देखिए 1650 का टारगेट डन हो गया है ऑलरेडी। तो अब मैं यहां से निकल जाऊंगा दोस्तों, एक बार आपको ओवरऑल पोजिशन दिखा देता हूं, उसके बाद मैं वीडियो बंद करता हूं। मुझे आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा, और दोस्तों अपना लाइक का बटन, शेयर का बटन जरूर यूज़ करिए, जब तक नहीं करते मुझे मज़ा नहीं आएगा, कमेंट जरूर करिए। ऑल पोजिशन देख लिए, 6200 का प्रॉफिट चल रहा है, एशियन पेंट का अपडेट बंद करता हूं, क्योंकि 1650 का टारगेट है, वहां से निगेटिव साइड अब उसका स्टार्ट हो सकता है मे बी। 6200 का प्रॉफिट डिसेंट प्रॉफिट है, कोई बात नहीं। यूएसडीएनआर में 2900 का, एशियन पेंट में 2700 का, पीवीआर में 800 का, इधर हैवल्स में, और करंट यही है। तो देखिए यहां से अब निगेटिव साइड आने की कोशिश कर रहा है, तो 2:12:42 रिकॉर्डिंग बंद करता हूं, और मिलता हूं स्टॉक परफॉर्मेंस के रिव्यू में, ट्रेडिंग इसको बंद कर देता हूं एशियन पेंट को।